हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। और मैं अभी शाम का टाइम हो रहा है, एक्चुअली रात के डिनर की प्रिपरेशन हो रही है और मैं अभी डिनर की तैयारी में प्याज वगैरह काट के रखा है। सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने निकाल के रखी है और अभी मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही अच्छी सी सब्ज़ी। मतलब बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, होटल वगैरह बंद है, रेस्टोरेंट वगैरह सारी चीज़ें बंद हैं, तो लगता है ना कि कुछ रेस्टोरेंट जैसा खाना चाहिए। तो इसलिए मैं आज एक सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ जो आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 6-7 ब्रेड लिए हैं मैंने और उस ब्रेड को मैं तोड़ करके कढ़ाई में डाल दिया है बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में, ताकि इसको अच्छे से मैं रोस्ट कर सकूँ। इसको जैसे कड़कड़ा सा होता है ना, कुरकुरा सा, जैसे मिक्सी में अगर पीसूँ तो बिल्कुल उसका फाइन सा पाउडर बन जाना चाहिए। तो इसलिए मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ। रोस्ट इसे कर ली हूँ क्योंकि कच्चा अगर डालूँगी ना तो वो दूसरे टाइप का हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता, कच्चा बन का टेस्ट आ जाता है। इसलिए मैं इसको कढ़ाई में डाल करके बिल्कुल ही मीडियम फ्लेम पर इसको चलाते हुए मैं इसको रोस्ट करूँगी। और अब ये होने ही वाला है, हो चुका है लगभग, क्योंकि आवाज़ उससे आ जाती है, पता चल जाएगा आपको जब आप फ्राई करोगे तो थोड़ा सा करारापन का आ जाए वो। तो बस उसको बंद कर देंगे फ्लेम को और इसको गर्म में ही पीसना है। मिक्सी में पीस लीजिए, किसी भी चीज़ में पीस लीजिए, तो बिल्कुल ही फाइन सा पाउडर बन जाता है। देखिए अभी मैं इसको पीसने वाली हूँ, मैं ब्लेंडर में ही ब्लेंड करने वाली हूँ। तो चलिए ये हो चुका है और इसमें गरम ही डाल करके आप देख सकते हैं ब्रेड का कलर हल्का सा ब्राउन हो गया है, तो बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है और इसके थ्रू हम लोग इसको पीस लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, ये मिक्सी में भी बहुत ही अच्छे से पीस जाता है। तो दिखाती हूँ मैं आपको इसका पाउडर बना करके कैसा बनता है। देखिए थोड़े बहुत अगर रह जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बिल्कुल बारीक सा पाउडर बन जाता है, ऐसा पाउडर चाहिए। तो इसी प्रोसेस से मैं दूसरा भी कर लूँगी, उसका भी बारीक पाउडर बना लूँगी। तो चलिए आपको पता चल गया है कि सब्जी किस चीज़ की बनानी है। तो मेरे पास कोई भी चीज़ें, मतलब कि मेरे पास कोई भी चीज़ें ठीक से नहीं है, जैसे टमाटर नहीं है, शिमला मिर्च नहीं है। अभी जो मैं पनीर चिली बनाने जा रहा हूँ उसमें शिमला मिर्च होना चाहिए, टमाटर होना चाहिए, दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाने जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी कि उसके बिना भी अगर कोई चीज़ नहीं हो, कोई इंग्रेडिएंट्स ख़त्म हो गई हो, तो उसके बिना भी सब्जी बनाई जा सकती है और अच्छी सब्जी बनाई जा सकती है। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं ये आप देख लीजिए, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अच्छा बनेगा, विश्वास कीजिए। तो चलिए सबसे पहले इसमें डालते हैं तेल। तेल मैंने ये 2 पैकेट पनीर लिया था, इसको गर्म पानी में डाला था क्योंकि इस पर पूरा बर्फ जमा हुआ था, तो इसको मैंने गर्म पानी में डाला था। इसको भी यहाँ रखती हूँ, पानी फेंक के आती हूँ। तो ये जो मैंने तेल चढ़ाया है इसमें मैं पनीर को फ्राई करूँगी और दूसरी तरफ मैं ये पानी रख रही हूँ। इसको करना है, पानी को उबालना है इसलिए क्योंकि इसमें पनीर को भूनने के बाद डालना है। पता है आप लोग जैसे सोचते हो कि मेरा पनीर चिट्टा क्यों हो जाता है फ्राई करने के बाद, तो वो इसलिए क्योंकि आप फ्राई करने के बाद गर्म पानी में नहीं डालते हो। जैसे ये जब पानी खौल जाएगा तो इसमें मैं नमक डालूंगी और उसके बाद फ्राई किया हुआ पनीर मैं इसमें डालूंगी, तो वो पनीर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है, वो चिट्टा नहीं होता है। तो आप लोग भी ट्राई करना, ये आप लोगों का भी पनीर कभी भी फ्राई किया हुआ पनीर चिट्टा नहीं होगा। जैसे ही आप फ्राई करके निकालते हो आप गर्म पानी में डाल दो तो आपका पनीर चिट्टा नहीं होगा। तो मैं अभी पनीर को फ्राई करती हूँ। पनीर फ्राई हो रहा है, तब तक मैं क्या करूंगी, पानी बॉईल होने ही वाला है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, ठीक है। और इसमें पनीर में एक अच्छा सा कलर आ जाए उसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ थोड़ा सा फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप इस उबलते हुए पानी में ना हल्दी डाल देना, आधा चम्मच हल्दी डाल देना, पनीर में बहुत अच्छा कलर आता है, पनीर में बहुत अच्छा कलर आएगा हल्दी डालने से। तो चलो मेरे पास फूड कलर था, मैंने यूज कर लिया उसका। तो देखिए पानी मेरा बॉयल हो चुका है और अब फ्लेम को करते हैं ऑफ।
पनीर भी मेरा फ्राई हो चुका है और इसे निकाल करके मैं डालूंगी उसमें। मैंने ज्यादा फ्राई नहीं किया है, डीप फ्राई हल्का ही फ्राई किया है। बहुत ही अच्छा सा कलर आता है पनीर में, याद रखना हल्दी भी डाल सकते हो। काटा था मतलब एक प्याज का चार टुकड़ा कीजिए और उसका हर लेयर अलग कर लीजिए, हर एक लेयर अलग करके उसके बाद इस प्याज को मुझे फ्राई करना है। अगर आपके पास टमाटर है, शिमला मिर्च है, तो पहले शिमला मिर्च को फ्राई कर लीजिए, फिर प्याज को कर लीजिए, फिर टमाटर को कर लीजिए, सबको आपको फ्राई करना पड़ेगा। तो इसको आपको ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हाफ करना है, जिसमें 75% ये पक जाए तो उतना ही आपको करना है। मैं इसे एक बार ढककर भी पका लेती हूँ ताकि ये जल्दी बन जाए, जल्दी पक जाए। तो चलिए इसको मैंने ढक लिया है और मैं बता देती हूँ, ये है ब्रेड, ब्रेड को मैंने भुना था, उसका पाउडर बना लिया था, मैंने आपको दिखाया कि ये ब्रेड का पाउडर है। और इसमें मुझे चाहिए इसके लिए मैंने ग्रीन चिली काटा है और इसके लिए मैंने एक लिया है सोयाबीन सॉस और एक टोमेटो सॉस। और बस ये पनीर चिली का ये पैकेट आप लोग को पता ही होगा 10 रुपये का पैकेट आता है मार्केट में, तो बस इसी से और कोई मसाला ऐड नहीं करने वाली हूँ, बस इसी सबसे बनाने वाली हूँ। तो चलिए पहले प्याज को फ्राई कर लेते हैं। हल्का सा इसमें नमक डाल दीजिएगा तो और जल्दी ये पक जाता है। तो जैसे ही 75% हो जाए, जैसे हल्का सा मुरझाने लग जाता है ना, तो उस तरह का अगर हो जाए तो आप प्याज को निकाल लीजिए, तेल निकालते हुए मतलब तेल को छानते हुए आप प्याज को निकाल लीजिए। और इसी तेल में आप जैसे अभी मुझे जो सब्ज़ी बनानी है इसमें जो चीज़ें लगेंगी वो चीज़ें डालनी है, जैसे कि थोड़ा सा तेल है इसमें तो मैं इसी तेल में डाल दूंगी सारा कुछ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैंने पैकेट लिया था उस पैकेट को खोल करके एक गिलास पानी में मैं इसे घोलूँगी। ये दो पैकेट है मसाले का, मैंने पनीर का पैकेट भी दो लिया था इसलिए मसाले का पैकेट भी मैं दो ले रही हूँ। तो दोनों पैकेट मैंने खोल लिया है, एक गिलास पानी में घोलना है। वैसे इस पर लिखा रहता है सारा कुछ कि आपको कितने पानी में घोलना है या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गांठ ना बन जाए मसाले का, उसको अच्छी तरीके से फोड़ करके और फिर आपको घोल करके इसको रख लेना है। तो चलिए घुल चुका है, अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ, तेल भी गर्म है। इसमें सबसे पहले मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, 2 चम्मच के करीब मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। ये हरी मिर्च मैंने डाला है, हरी मिर्च मैं अक्सर भूल जाती हूँ लेकिन इस बार याद था हरी मिर्च डाला है। हरी मिर्च को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हाफ़ फ्राई करना है ताकि ये हरा हरा ही रहे, ये काला ना पड़ जाए या ब्राउन ना हो जाए, बस उतना ही करना है। और जैसे ही आधा हो जाएगा तो उसमें मैं 2 चम्मच के करीब डाली हूँ सोया सॉस। और उसके बाद मैं इसी में डालूंगी टोमेटो सॉस। तो टोमेटो सॉस मैंने 4-5 चम्मच के बराबर डाला है, 5-6 चम्मच के बराबर, क्योंकि टोमेटो सॉस इसमें ज़्यादा डलता है कलर लाने के लिए, क्योंकि इसमें हल्दी वगैरह तो कुछ डलती नहीं है, मसाले डलते नहीं हैं, तो इसलिए सॉस थोड़ा ज़्यादा डलता है। तो आप 7-8 चम्मच के लगभग डाल दीजिए और थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको भून लीजिए तेल में। तो इस टाइम पर जो आप सॉस डालते हो ना, उसका टेस्ट एक अलग सा टेस्ट आता है सब्ज़ी में, टेस्ट भी, कलर भी और फ्लेवर भी, हर चीज़ इसका अलग हो जाता है। तो चलिए ये हो चुका है, थोड़ा सा उबाल इसमें आ जाता है, मतलब जिसको आप लोग अपने लैंग्वेज बोलते हैं ना खदकना, तो बिल्कुल वैसा हो जाता है। और जैसे ही ये हो जाएगा, उसमें मैंने आपको बताया था ना कि ब्रेड का मैंने पाउडर बना के रखा है ये वाला, तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और वैसे भी ये सारा एब्जॉर्ब कर जाता है, ब्रेड है ना इसलिए सारा चीज़ एब्जॉर्ब कर जाता है। इसमें मैं डालूंगी नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसमें कोई मसाला नहीं डलेगा, कुछ भी नहीं डलेगा, बहुत ज़्यादा अगर आप डालना चाहते हैं तो गरम मसाला का पाउडर हल्का सा डाल सकते हैं, नहीं तो कुछ भी नहीं, हल्दी धनिया कुछ भी नहीं डलेगा इसमें, बस हो गया ये।
इसमें बस अब डलेगा जो मैंने मसाला घोल के रखा है ना ग्लास में, बस वो वाला मसाला डलेगा इसमें। और ये वाला जो मसाला है ना, जैसे जैसे ये मतलब गर्म होता है, हीट पे जाता है, या जैसे जैसे ये खोलना शुरू होता है ना, वैसे वैसे ये थिक होता जाता है, गाढ़ा होता जाता है। और वैसे भी ये ब्रेड है तो गाढ़ा तो होना ही है, तो इसलिए इसमें पानी मैं ऐड करूँगी मसाले डालने के बाद। और पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिए, जैसे मैं इसमें इतना पानी ऐड करूँगी कि एक थिक सा पेस्ट रहे, और क्योंकि मुझे सूखी सब्जी बनानी है, गीली बनानी नहीं है, पनीर चिली बनानी है, तो इसलिए मैं इसमें देखिए मिक्स कर रही हूँ और पानी डालती जा रही हूँ। तो आप लोग बस इसी तरीके से कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालिएगा और मिक्स करते जाइएगा। तो बस उतना आपको पानी डालना है कि वो उबाल आने के बाद, 2-3 मिनट पकाने के बाद थोड़ा गाढ़ा रह जाए, ताकि जैसा आप होटल वगैरह में देखते हो, रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हो ना, गाढ़ी सी सब्ज़ी, मतलब कटोरी की भी ज़रूरत नहीं पड़े और थाली में फैले भी ना। तो चलिए ये उबल गया था, तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज जो फ्राई किया हुआ था, टमाटर फ्राई है तो टमाटर डालिए, शिमला मिर्च डालिए, और उसके बाद ये पनीर में देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है, ओह। तो चलिए इसमें मैंने डाल दिया है पनीर और इसको मिक्स कर देंगे। अगर शिमला मिर्च और टमाटर होती ना तो बात ही कुछ और होती है, लेकिन ये भी कम नहीं है। तो चलिए ये हो चुका है, और अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो इसे 2 मिनट ढक के पका सकते हैं। बस आपकी सब्जी बन कर के रेडी हो गई है खाने के लिए, अच्छा लग रहा है ना देख कर के। तो चलो सब्जी रेडी है, चलते हैं रोटी की तरफ, अब रोटी बनाते हैं। तो मैं आपको एक बार सब्जी दिखा देती हूँ, मैंने निकाला है तो कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे मैंने होटल से मंगवाया हो, बिल्कुल वही कलर वही सब्जी, आह मन खुश हो जाता है यार। तो चलिए अब रोटी बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। मतलब यहाँ क्या होता है ना, मेरे घर में सारे लोग गरम गरम खाते हैं, तो मैं बनाती जाती हूँ, सारे लोग एक एक करके खाते जाते हैं, तो काम भी जल्दी ख़त्म हो जाता है और किसी को ठंडा भी नहीं खाना पड़ता है, सारे लोग गरम खा लेते हैं तो अच्छा ही रहता है, सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाती है, एक बार में सारे लोग खा भी लेते हैं। तो दिया यहाँ पर खिला रही है, रोटी बार बार दे करके आ रही है और मैं रोटी बना रही हूँ। गर्मी तो खैर बहुत ज़्यादा हो रही है अभी, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रही है, और मुझे पता नहीं क्यों बहुतों के साथ ऐसा होता होगा कि रोटी बनाना हर किसी को अच्छा नहीं लगता है, बट मुझे रोटी बनाना बहुत पसंद है। मतलब अगर 2-4 किलो आटा भी दे दो तो मैं रोटी आसानी से बना लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और मैं बहुत फास्ट रोटी बनाती हूँ, ऐसा मैंने मम्मी भी बोलती हैं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी रोटी बनाती हूँ, तो मुझे मज़ा आता है रोटी बनाने में। बहुतों को रोटी बनाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मैं फटाफट से रोटी बना रही हूँ, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अभी किचन का काम वगैरह ख़त्म करके खाना वगैरह खा के उसके बाद मैं आप लोगों से बात करूँगी। अगर नहीं मिला, ज़्यादा लेट हो गया तो कोई बात नहीं, आप लोग माइंड मत करना, मैं कल सुबह ज़रूर आप लोगों से मिलूँगी। तो अभी सुबह हो रहा है, रात में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, बहुत लेट हो गया था। मैं अभी मतलब आई हूँ छत पर सब्जी सुखाने के लिए, क्योंकि ना अभी जो भी सब्जियाँ बाहर से आ रही हैं तो उसको धुल करके रखती हूँ अंदर, ऐसे नहीं रखती खाने में, क्योंकि पता नहीं थोड़ा मन में वहम सा हो जाता है, डर सा हो जाता है, इसलिए सारी सब्जियों को, प्याज आलू सारी चीज़ों को मैं धो देती हूँ, सारी सब्जियों को। तो मम्मी धो रही थी तो मैं छत पर आ रही थी, लेकर के आ गई सुखाने के लिए, और कपड़े भी थोड़े बहुत मम्मी सुखा गई थी सुबह, थोड़ा बहुत रह गया था, तो जो सूख गए हैं उसको मैं उठा करके ले जाऊँगी, और जो थोड़े गीले बचे हुए थे उसको मैं सुखा दूँगी, और कपड़े को थोड़ा सा उलट पलट दूँगी ताकि जल्दी सूख जाए। अभी मैंने कल रात कपड़े धो लिए थे, रात में धो करके रख देती हूँ, सुबह जल्दी सुखा देती हूँ, 10 बजे तक कपड़े सूख जाते हैं, 9-10 बजे तक सारे कपड़े, तो ये अच्छा रहता है, धूप में कपड़े ख़राब भी नहीं होते हैं और आपको धूप में आकर के सुखाना भी नहीं पड़ता है, और दोपहर तक सारे कपड़े आपके घर में चले जाते हैं, सूख जाते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ नेक्स्ट मॉर्निंग। अभी सुबह सुबह मैं आई हूँ छत पे सब्जी सुखाने के लिए और कपड़े लेने के लिए, थोड़े बहुत ज़्यादा कपड़े थे तो एक बार में नहीं आए थे, मेरे माथे पे बिंदी भी नहीं, मैं सो के उठी थी ना तो वो निकल जाता है, और धूप यहाँ पे इतनी जल्दी निकल जाती है कि पूछिए मत। मतलब मैंने एक दिन देखा था 4:30 के आसपास पे, अगर आप छत पे आओ ना तो आपको लगेगा जैसे सूर्य निकलने वाला है, लालिमा रहती है उसकी, तो बहुत जल्दी निकल जाता है, 6-7 बजे तो ऐसा लगता है जैसे कितना ज़्यादा धूप निकल गया हो। तो बस अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। अभी छोटे मोटे घर के बहुत सारे काम हैं, जैसे झाड़ू मम्मी ने लगा दिया है, पोछा लगाना है मुझे, और बाकी सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, दिया पूजा कर रही है, मैं जा रही हूँ
पोछा लगाने के लिए, खाना अभी तक उठा नहीं है। उसके बाद देखूंगी नाश्ता कुछ बनाना है, रात वाली सब्जी बची हुई है तो बस पराठे बनाना है और सब्जी तो वही हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ काम है नहीं। तो मैं आराम से पोछा लगाऊंगी, आराम से फ्रेश होकर फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ये देखिए बाकी ये सारी सब्जी जो धूप में सूखने लायक नहीं, जैसे आलू और प्याज को हम लोग धूप में सुखा देते हैं क्योंकि नहीं तो प्याज गल जाता है, और ये सारी सब्जी मैं यहीं पे धो करके मम्मी ने रखा है, सारी सब्जी धुली हुई है और अब सारा फ्रिज में जाएगा। कितना अच्छा लगता है ना लेमन का कलर, बहुत अच्छा लगता है। खीरा है, घ्यूरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, लेमन है, ये कुंदरी है, हरी मिर्च है, और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, लेमन वाली चाय बना रही हूँ, नींबू वाली। तो इसमें मैंने डाला है पानी और चीनी, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी चाय पत्ती। चलिए तो ये उबल के बहुत ही प्यारा सा कलर दे देगा मेरी चाय को, और उसके बाद मैं इसमें डालूंगी नींबू, नींबू का रस इसमें निचोड़ दूंगी और ये मेरी चाय बन करके हो जाएगी रेडी। चाय पत्ती ने अपना कलर छोड़ दिया है, मैं इसमें डालने वाली हूँ लेमन। मुझे ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है, आप इसमें चाहें तो काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और दालचीनी का पाउडर और नमक, काला नमक, ये सारी चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं तो और ज़्यादा टेस्टी बनती है। फिलहाल मैंने कुछ नहीं डाला है, मैं सादा सब। तो देखिए ये मेरी लेमन की चाय, और इस कप को देखिए, और एक और है, इसे कैसे दिखाऊं मैं, इधर से ये देखिए। तो चलिए हम लोग पीते हैं चाय। मैं चाय बना करके आ गई हूँ पीने के लिए, और सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ज़्यादा भाग दौड़ वाला होता है, सुबह के टाइम में इतना टाइम नहीं मिलता कि आप कुछ भी वीडियो बना सको, ऐसे ही काम में बहुत ज़्यादा लेट होता है, और अगर आप वीडियो बनाओगे तो और ज़्यादा लेट हो जाएगी। मैंने बिल्कुल इसलिए नहीं लगाई है क्योंकि सोचा कि चलो अपने नहाना ही है तो फिर निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं लगाने का, तो फिर एक ही बार नहाने के बाद लगा लूँगी, इसलिए खाली खाली सा लग रहा है। खाना मैंने बताया था सोया हुआ है, इसकी तबीयत रात कल मतलब उसको सर्दी हो गई थी और रात में उसको वोमिट हो गया, इसलिए अभी तक सो रहा है, नहीं तो कब का उठ गया होता। बच्चे सोते हैं कितने प्यारे लगते हैं ना, और जब उठते हैं और जब सरतानियाँ करते हैं तो लगता है कितना क्यूट हो इन लोगों को, लेकिन सोते हुए अच्छे लगते हैं। गर्म बहुत ज़्यादा है, मैं कभी गर्म चाय पीती नहीं हूँ, चाहे वो दूध का हो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, मैं खाना भी गर्म नहीं खाना चाहती, ठंडा ही करके खाती हूँ, और चाय तो बिल्कुल भी गर्म नहीं पीती हूँ। सब लोग कहते हैं पागल है, लेकिन फिर भी मैं ठंडा ही पीती हूँ। चलिए तो अभी बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम है तो अभी मैं चलती हूँ काम करने के लिए, मिलूँगी आपसे बाद में। तो एक्चुअली मैं इस ब्लॉग को यहीं पर खत्म कर रही हूँ क्योंकि कितना टाइम लग जाएगा काम करने में मुझे खुद भी पता नहीं, और ऐसे क्योंकि सबके मेरे घर तो ऐसे भी मेड नहीं है, मैंने मेड को हटा रखा है, मैं खुद ही अपना सारा काम करती हूँ, और वैसे भी जिनके घर मेड हैं उनको भी अभी खुद से ही करना पड़ रहा होगा क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो कोई मेड आती नहीं होगी, वैसे अब तो आना शुरू हो गया होगा शायद, आई थिंक, बट फिर भी घर का काम तो खुद ही करना ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ अच्छे से किया है। मेड से करवा लो तो आप एक तो पीछे पीछे रहो फिर भी ढंग से नहीं हो पाता कोई भी काम, तो इसलिए मुझे खुद करने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। मैं खुद करती हूँ अपना सारा काम, झाड़ू पोछा बर्तन करता, सारी चीज़ें मैं खुद करती हूँ, फिर भी देखो बॉडी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इसीलिए मैंने मेड को हटाया था कि थोड़ा मैं काम करूँगी तो मैं थोड़ी सी पतली हो जाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, काम करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए बातें बाद में करेंगे, पहले वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरे वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आप लोगों का प्यार मुझे मिल सके और मैं आप लोग के साथ कनेक्ट हो सकूँ। तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ।